रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्णाभूषण। और जब स्वर्णाभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में आपसी रंजिश को लेकर दो युवकों में एक बार फिर चाकूबाजी हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना कल रात 8 बजे की बताई जा रही है। खंडवा जिले के जावर थाना अंतर्गत आने वाले राय गांव के पास की यह घटना है। घायल युवक का नाम विजय राठौर है, जो मलगांव दाता साहब गांव का रहने वाला है। घायल युवक ने बताया कि वह खंडवा से बाइक से सामान लेकर अपने घर जा रहा था, तभी राय गांव के रहने वाले राज नाम का युवक विजय के पास आया और विजय के साथ गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी और पेट में चाकू मार कर मौके से फरार हो गया। घायल अवस्था में विजय को उसके दोस्तों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ विजय का उपचार जारी है। इस मामले को लेकर घायल युवक विजय ने क्या कुछ जानकारी दी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। क्या बात? मलगांव के रहने वाले हैं हम। मैं खंडवा से सामान लेके आ रहा था तो राय का है राज नाम का लड़का, उसने मेरे को रोक के मारा और चाकू फंसा दिया और पैसे भी छीन लिए। पहले का झगड़ा था और पैसे के, मतलब कि अभी पैसे लेके आ रहा था और क्या, मैं देना लेना नहीं था, मतलब कि लड़ाई झगड़ा मार थोड़ा सा था, उतना भी नहीं था, पर उन्होंने मारा। राज क्या क्या करता? राज काम करता, लूटा मारी, लूटा मारी करता और दुकान पे बैठता अपने टप पे, वो पान का टप है। हमारा पान का टप? हमारा नहीं, उसका है। किसी का पान का टप? रात ही रात का किसी का दिन का है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ नहीं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, कड़ी से कड़ी सजा दिला उसको। विजय राठौर, मलगांव दाता साहब। मलगांव दाता साहब।